इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगति मैदान में, जहाँ की जो है इंटरनेशनल एक्सपो चल रहा है और उसके साथ ही साथ चल रहा है यहाँ पे जो प्रगति मैदान को रीडेवलपमेंट का काम। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है। अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पे इतने बड़े एक्सपो का आयोजन हो रहा है तो क्या कुछ समय के लिए इस कंस्ट्रक्शन को रोका नहीं जा सकता? इस कंस्ट्रक्शन की वजह से हमेशा जो है लगातार रिंग रोड पर जाम बना रहता है, जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वेरी पुअर कैटेगरी में रहता है, कभी सीवियर कैटेगरी में भी आ जाता है। तो ये बात देखने वाली बात ये है कि ऐसे में जहाँ की पॉल्यूशन का जो लेवल है दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा रहता है, हमेशा सीवियर कैटेगरी या वेरी पुअर कैटेगरी में रहता है, तो देखने वाली बात ये भी है कि NGT की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये गाइडलाइंस है कि इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है उससे बचा जाए। तो यहाँ पर हमने इस विषय पर जो है यहाँ के डायरेक्टर उनसे भी बात करने की कोशिश की, हालाँकि वो मौजूद नहीं रहे, वो इस विषय पर बात करने के लिए अवेलेबल नहीं रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो है इसके खिलाफ जो है कुछ संज्ञान लिया जाएगा और जो है इस कंस्ट्रक्शन को फिलहाल के लिए, जब तक ये एक्सपो चल रहा है, इसको रोका जाएगा। कैमरा पर्सन लोकेश गोस्वामी के साथ मैं सौरभ कुमार, 10 न्यूज़, नई दिल्ली।